नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के बारे में। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव नामक स्थान पर हुआ। उस्ताद बिस्मिल्ला खान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते थे। उनके परदादा शहनाई नवाज उस्ताद सालार हुसैन खां से शुरू ये परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन का प्रतिपादक रहा है। बिस्मिल्ला खां को उनके चाचा अली बख्श विलायतू ने संगीत की शिक्षा दी, जो बनारस के पवित्र विश्वनाथ मंदिर में अधिकृत शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम के साथ एक दिलचस्प वाकया भी जुड़ा हुआ है। उनका जन्म होने पर उनके दादा रसूल बख्श खां ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बिस्मिल्ला। इसके बाद उनका नाम बिस्मिल्ला ही रख दिया गया। उनका एक और नाम कमरुद्दीन था। उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में दरबारी संगीतकार थे। उनके पिता पैगंबर खां इसी प्रथा से जुड़ते हुए डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई वादन का काम करने लगे। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खां को बनारस ले जाया गया। यहां उनका संगीत प्रशिक्षण भी शुरू हुआ और गंगा के साथ उनका जुड़ाव भी। खां साहब काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े अपने चाचा अली बख्श विलायतू से शहनाई वादन सीखने लगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक थे। सन 1970 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्तम पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बिस्मिल्ला खां ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में मुख्य योगदान दिया। वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्ला खां की शहनाई भी वहां आजादी का संदेश बांट रही थी। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन एक प्रथा बन गई है। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मैं यहीं पे रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।